बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सुई पावन सुई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तुम नमामि सद्गुरुम तुम नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। कोई सफा न देखा दिल का, काजी देखा मोला देखा पंडित देखा छल का, औरों को वैकुंठ बतावे आप नरक में सर का, बिल्ली देखा बकुला देखा सर्फ जो देखा बिल का, ऊपर ऊपर बनी चिकनाई मतलब सफेदी भीतर गोला जहर का। कोई सफा न देखा दिल का, पढ़े लिखे कछु वेद शास्त्र भरल गुमान वरण का, कहत कबीर सुनो भाई साधो लानत ऐसे तन का। बहुत बार समाज में बिगड़ाव आया, फिर किसी महापुरुष के माध्यम से सुधार आया। महापुरुष जब चले गए तो फिर बिगड़ाव आया, क्यों कि संसार गुण दोषों से सना हुआ है। उधर कोई नहीं रह गया माँ सदगुरु तो फिर माया वाला पलड़ा भारी होने लगता है। मनुष्य न्यूट्रल जन्मता है, अज्ञानी जन्मता है, जैसी संगत मिल गई वैसी राह पकड़ लेता है। तो कुसंग के मास्टर बहुत हैं, ये कंजूसी परमात्मा के खाते में बहुत दिन से चली आ रही है। कोई बिरला होता है, बुद्ध के बाद कोई बुद्ध नहीं हुआ। पंचायत राज चला रहे हैं धर्म की ट्रेनिंग दे के, ईसा के बाद कोई ईसा नहीं हुआ। मोहम्मद साहब के बाद उस गद्दी पर कोई नहीं हुआ। मोहम्मद साहब के बाद चार गद्दियां पलटी लगातार जल्दी जल्दी, कोई 3 साल कोई 2.5 साल। हजरत उस्मान खैबर अबू बकर ये अनुयायी थे, साथी भी थे शिष्य थे, और एक था अली। अली और उनके 2 लड़के हसन हुसैन वो शहीद हो गए, 2.5 साल के अंदर सब शहीद हो गए। फिर विजेता निकला एक यजीद नाम का, कुछ तो उसे बुरा लग रहा था, तब तो हमला कर रहा था बार बार। अब ये गद्दी ये कुरान उसके हाथ लग गई, जो फेर बदल कर दिया हो, जो कि त्यों दिल रहने देता तो हमला क्यों कर रहा था। इसलिए असली कुरान अली साहब के पास थी, बाद में तो ही नहीं यजीद वगैरहों की लिखी हुई है। मोहम्मद साहब उनकी जब बेटी आती थी तो उठ के खड़े हो जाते थे सम्मान में, लेकिन बाद वालों ने जो बिलासी लोगों के जब हाथ लग गया, महाशराबी महाबिलासी उनके हाथ कुरान लग गई तो लिख दिया स्त्रियां खेतियां हैं, 10 बीघा रखो चाहे 25 बीघा। खेती कभी अपना हिस्सा नहीं मानती। बच्चे जो भी जन्मे लड़का लड़की खून से, उनमें माँ का कोई अधिकार नहीं है, वो तो खेती हैं। 3 बार तलाक का भाग जाओ
ये घर में तुम्हारा कुछ नहीं, इन खून पानी से जन्मे बच्चों में कुछ नहीं, भयंकर ममता को छोड़ के बेचारी बाहर खड़ी हो गई। खेतियां भला कहीं अपना हिस्सा लेती है तो फिर जिसने खेती किया उसका माल, और यदि माँ ही न होती सृष्टि में तो विधाता की सृष्टि चौपट हो गई होती। कभी बैल है, भैंस है, पक्षी है, किसी बाप को मालूम है कि हमारा लड़का कौन है? माता बिनु आदर कौन करे, वर्षा बिनु सागर कौन भरे। ये सब अजीत वगैरह की देन है। उन महापुरुष ने तो जब कोई ऐसी खास पूजनीय आ जाती तो खड़े हो जाया करते थे सम्मान में। इस तरीके से महापुरुष जब चले जाते हैं तो पीछे से विकृतियां पैदा होती है। रात दिन रामायण को तोड़ने में लगे लोग, आदेश का पालन करने में नहीं लगे हैं। महापुरुष तो कोई रह नहीं गया, जो ज्यादा बकवास करे वही गुरु। लिखा है ना कलयुग में, जाके नखी और जटा विसला ते तापस प्रसिद्ध कली काला, दुज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। जनेऊ पहन लिया तो पंडित, उघाड़ा हो गया तो तपस्वी। और जो बहुत बाचाल है वही गुणी, वो न गुणी है न पंडित है न साधु है, हे कलयुग का परपंच है और कुछ नहीं है। इस परपंच की उपज है कि दुनिया दुखी हो जाया करती है। महापुरुष आते हैं वो किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकते, उनसे जब होगा तब भलाई ही होगा, कल्याण ही होगा। साधु थे हो इन कार्य जहानी, इन सनाती करी हो पहचानी। और ये तो उनके द्वारा जब दरारें पड़ जाती है, दम्भिन निजमती कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ। दम्भियों ने, धूर्तों ने बुद्धि से कल्पना करके बहुत से मत मतांतर खड़े कर दिए, समाज में दरारें पड़ गई। महापुरुष कभी दरार डाल नहीं सकता। ईश्वर एक, प्राप्ति की विधि एक, परिणाम एक, स्थिति एक, तो कहाँ से धर्म दो चार आ जाएंगे। इसकी संपूर्ण समाधान के लिए आदि शास्त्र गीता है, समय समय पर वो प्रभु बोले हैं। जो ही महापुरुष से आप हो जाओगे तो आप ही से बोलेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन विशुद्ध आदि धर्म शास्त्र गीता है, उसमें सीख रखने की जगह नहीं है। सबको स्टडी करना चाहिए, सबको दो एक श्लोक पढ़ना चाहिए। 15 दिन तक कुंभ मेले में रहे ना हम लोग, तो एक इंस्पेक्टर, CID इंस्पेक्टर रोज राइट टाइम 4 बजे पहुंच जाए पूरा मेला घूम के। 17वें दिन जब हम चले आए तो फिर पहुंचा तो बोले, अरे महाराज पता नहीं चले कब चले गए। पूरा मेला हमने चप्पा चप्पा छान डाला, केवल एक जगह सत्संग होता रहा, यहाँ महाराज के यहाँ। यहाँ न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, केवल भगवान है, सत्संग है, धर्म है। सब जगह तो दूसरे को गाली देते देते कान पक गए सुनते सुनते। वो मुसलमान थे इंस्पेक्टर, बोले कान पक गए सब सुनते सुनते, उल्टा सीधा एक जगह केवल धर्म है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है। दर्शन नहीं कर पाया। नेपाल के बॉर्डर पर एक दुकान है डॉक्टर साहब, तो यहाँ से विरत विज्ञानंद गए, नेपाल जाना था, खड़े थे बाहर, पानी बरस रहा था, तो बोले आइए महाराज अंदर बैठिए, बाहर क्यों भीग रहे हैं। आगे बैठ गए, कुर्सी में बैठाया सम्मान से, बोले महाराज दुकान पे लिखा था कौन अस्कर अली मेडिकल हॉस्ट। हाँ, चले गए बैठ गए। तुरंत बोले महाराज चोरी करे हराम का खाए, लोटपोट बैकुंठे जाए। बोले मैं तुरंत, इन्होंने कहा भजन प्रदर्शनी की वस्तु नहीं है, जो प्रदर्शनी लगाता वो अपना फल पा चुका, उसे श्रेय चाहिए था, लोगों की निगाह में कुछ अच्छा अच्छा सुनना चाहता था, सुन लिया बेचारा। भजन छिपके किया जाता है, छिपके भजन करे, चोरी करे, पास वाला भी न जाने की भजन कर रहा है, इतना गोपनीय ढंग से चिंतन में डूब के लगे, और आकाश वृत्ति से जो मिल जाए वही उसकी भिक्षा होती, जहाँ वो कमाई करने नहीं गया। और फिर लोग धक्के भी देंगे, अब धुत कहेंगे मूर्ख कहेंगे, धक्का दुखी चलता रहे, फिर भी अब लक्ष्य पर से दृष्टि नहीं हटी, सूरत नहीं हटी चिंतन से, तो लोटपोट बैकुंठे जाए, वो अविनाशी धाम पहुंच जाता है। तुरंत चाय मंगा के पी आया, बोले महाराज हमारी रोटी खाओ। बोले 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 रोटी तुम्हारी है। बोले नहीं महाराज बाजार से आया है। तो बोले जल्दी ला, और पकड़ा दिया गीता। कोई बनिया लोगों की रोटी है, राष्ट्रपति की रोटी है,
रोटी वो जो किसान मशक्कत करता है खेत में, भोजन कीता पकड़ा दिया। शाम को 8 बजे पढ़ने लगे, वो डॉक्टर साहब रात भर पढ़ते रह गए। सुबह 4 बजे आए, बोले महाराज जब यही धर्म है तो ये पाकिस्तान क्यों बना? ये मनुष्य मनुष्य में दरार कैसा है? इसमें तो हमें कहीं कुछ नहीं मिला। पढ़ने वाले थे, सत्संगी थे, फिर किया भंडारा। सब कहाँ का हिंदू, कहाँ का मुसलमान, सब बैठ गए 60 आदमी। एक पंडित जी अलग खड़े रहे, तो वीरत विज्ञानंद बोले तू हमें पिंडा पानी दे का बच गया भले। तो वो आके बैठ गए। कुछ नहीं, भोजन भोजन है, इस शरीर का पोषण। पवित्रता अंतःकरण की होती है, मन में श्रद्धा की होती, निश्चल प्रेम, निष्कपट प्रेम। भगवान सदैव भाव के भूखे होते हैं। एक से एक महात्मा रजिस्ट्रेशन वाले द्वापर में राजसूय यज्ञ हो रहा था। द्रौपदी ने कहा केशव इतना खर्च बरच, अपार धन व्यय हुआ हो रहा है, क्या प्रमाण है कि यज्ञ संपन्न हो गया? तो बोले सर्वोपरि महापुरुष जहाँ थोड़ा जूठन गिरा देगा, 4 गिलास प्रसाद तुम्हारा खा लेगा, तो मान लो तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। उस समय आकाश में घंटी बजेगी। तुरंत सैकड़ों रथ दौड़ गए, जितने देश दुनिया में सुने हुए महात्मा थे, गद्दी नसीन पीठाधीश्वर सबको लाके पटक दिया। सबने भोजन किया, हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, दक्षिणा भी लिया, चले भी गए, घंटी वंटी नहीं बजी। तब द्रौपदी ने कहा प्रभु अब घंटी तो नहीं बजी? बोले इनसे भी श्रेष्ठ कोई महापुरुष छूट गया है। तो बोले भगवान व्यास आए, नारद आए, देवल आए, धौम्य आए, इनसे बड़ा भला हो भी कौन सकता है? तब बोले काशी में एक है सुपा भगत। तुरंत भीम ने रथ लिया और भागा। सोचा ही बवाल खत्म हो तो शिकारी कार में जाऊं, लंका आदमी। काशी में प्रवेश करते ही दशाश्वमेधसी जो घाट रही है उस घाट पर बहुत स्नान करके चले आ रहे थे। मंत्रों उच्चारण करते हुए बिगी धोती थी, चंदन फट वगैरह देखा तो सोचे संतों का हाल तो ये भक्त विद्वान ही जानते हैं, इनसे पूछूं। बोले वो महान सूफा भक्त कहाँ निवास करते हैं? सब बिगड़ खड़े हुए। बोले अरे तुम तो राजकुमार ऐसे लग रहे हो, आपको किसने भरमा दिया? वो भगत है, वो डुमार है, जाति का मलेच्छ है, नीच है, भगत है। जब कहो बब्बा राम राम कहो तो घंटा बांधे रहता, कानों पर कान हिला के चला जाता है दूर। जबान से कहता है राम ओम, कुछ नहीं कहता और नहीं कानों से सुनता है, काशी का कलंक है। आपको किसने भरमा दिया? रोज मनकर्णिका घाट पर हजारों चिताएं जलती है, उसको मौत भी नहीं आ जाती कि काशी का पाप तो कम हो जाता। बहुत बिगड़े, भीम की श्रद्धा तो आधी हो गई, किंतु आया इसीलिए था, गया जाके देखा तो बालू में वो पड़े हुए थे उलूल जुलूल, ने दंड ने प्रणाम। खड़े खड़े बोले महाराज, महाराजा चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ में आपका निमंत्रण है। दूध की नदियां बहती है, घी के कुंड भरे हैं, जितना चाहो दही खाओ, और जो पकवान है रसमलाई रसगुल्ला गिना ले गया, सब्जियां उन महात्मा ने देखा, एड़ी से चोटी तक एक उदंड खड़ा है सामने, ससुरा ने दंड ने प्रणाम, जिसको बोलने का भी तमीज नहीं। कहा भैया हमारी जात पात ठीक नहीं है। भीम को बड़ा गुस्सा आया, बोले एक तो महाराजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, एक मैं महाबलशाली भीम लेने आया, इन अघोरी जी का नखड़ा देखो, कहते हैं जात पात ठीक नहीं है। वो तो काशी में प्रवेश करते ही हम समझ गए, जान गए कि कितने पानी में हो, इसके जाने से कौन सा यज्ञ पूर्ण होगा। रथ घुमाया चला गया। भगवान को भी लगता है विनोद सूझा है। भगवान कृष्ण का अर्जुन तुम जाओ, यदि महापुरुष नहीं आए तो यज्ञ को अपूर्ण ही समझो तुम। तुरंत अर्जुन गया, सादर चरणों में मस्तक के प्रणाम किया, उठा के रथ में बैठाया, ले आया, कुछ कहा ही नहीं। अब द्रौपदी ने बड़ी सजावट से थाल परोसा, अब वो क्या जाने क्या है, एक में मिला दिया, हो गया गदर सट भैंस के चारे की तरह। तब कुछ उठा के 2-4 ग्रास खा लिया, बाकी सरका दिया दूर, हाथ धो लिया, ने दुआ ने आशीर्वाद कुछ नहीं। अरे हाथ उठाएंगे तबे दुआ हुई है,
वो तो हृदय का वेव है, चलता है, किंतु घंटे नहीं बजे। तब बोले केशव, घंटी तो नहीं बजी। बोले द्रौपदी, किसी की अश्रद्धा हो गई है, संत को किसी ने भोजन कराया ही नहीं, अश्रद्धा हो गई है, टुकड़ा फेंका है, भोजन नहीं कराया। तो बोले भगवान, अश्रद्धा तो मेरी ही हो गई। हम सोचे इतने बड़े महापुरुष आ रहे हैं, तो रात भर जागरण करके हमने विधिवत भोजन स्वयं बनाया, अपनी देख रेख में हमने खुद भी बनाया। जीवन में जो कुछ भोजन बनाने की कला हमने सीखी थी, सारी कला उड़ेल दिया। लेकिन इन अघोरी जी ने एक ही में गदर सट करके जो खाना था खा लिया, बाकी सिरका दिया, हमारे पकवानों की कदर नहीं किया। अश्रद्धा तो हमारी हो गई, ये पता होता तो हम क्यों मरते खपते। बोले ओ द्रौपदी, संत लोग पकवान नहीं खाते। शरीरम खल धर्म साधनम, ये शरीर ही सारे साधन का माध्यम शरीर है, इसलिए शरीर से ही साधना होनी है। संपूर्ण साधना का माध्यम शरीर है, इसलिए समय पर सूखा रूखा तर और हल्का कोई फर्क नहीं, कुछ समय पर कुछ दे दिया करते हैं इसके रख रखाव के लिए, वो पकवान नहीं खाते। तुम्हारे पकवानों की कदर ये राजा लोग बैठे हैं, ये लोग करेंगे, ये राजकुमार करेंगे, ये महात्मा है, पकवान नहीं खाते। शरीर से ही साधना संपादित होती, इसको रखने के लिए कुछ समय पर दे दिया करते हैं। तब द्रौपदी ने सोचा, ऐसे भी दुनिया में लोग पड़े हैं, पकवान खाए और पता नहीं चले। बड़ी प्रसन्नता से बनाया, जहाँ परोसा, चार गिलास सेवन किया, आकाश में घंटे भी बजे, यज्ञ भी संपन्न हो गया। तो भगवान अपने भक्त को पहचानते हैं, पर दर्शनी लगाने से कुछ नहीं होता। कानों से तो सुनते ही नहीं थे, लेकिन हर समय सांस में लगे रहते थे, एक भी सांस प्रभु के नाम के बिना खाली नहीं जानी चाहिए। मोहम्मद साहब की ओरिजिनल वाणी में लिखा है कि खुद उस मालिक के नाम के बिना भी एक भी सांस खाली जाती है तो उससे वो खुदा कयामत में वैसे ही पूछता है जैसे एक पापी को पाप के बदले में पूछा जाता है, जिसके लिए नरक है दोजख। और श्वास श्वास पर राम को वृथा श्वास मत खोए, ना जाने ये श्वास का आवन होए न होए। गुरु महाराज का ही बराबर बल था, श्वास को देखो, श्वास एकदम तेल धारावत खड़ी रहे, न भला उद्वेग उठे न बुरा उठे। ओम 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 ओम, लो लग जा, धुनी प्रवाहित हो जाए, डूब के रहो। बाहर झांकोगे तो और कचड़ा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा तुमको। था तो दुमार अपने युग का सर्वोपरि महापुरुष। और फिर बाजू बाजू जो पहले महात्मा आए थे, दासी पुत्र नारद, कुमारी कन्या के उठिन के लड़के व्यास, सुखदेव भी दोगले, सब महात्मा जो बढ़िया हुए है ना, चोट खाए हुए बढ़िया हुए हैं। और मखमल के गद्दा में जो जन्मे हैं, तो उनके तो पता ही नहीं चलता कि भगवान क्या किस चिड़िया का नाम है। इसीलिए सुमरन ऐसा कीजिए, जाने सुमरन हार, क्या जाने करतार ही न जाने संसार। हर समय खाना खाते, पानी पीते, सोते जागते, उड़ते बैठते, सोच जाते, रोटी बनाते, रोटी खाते, लड़का खिलाते, खुरपी चलाते, काम करते, हर समय स्मृति पटल पर नाम स्मरण बना रहे। सोने में सुहागा है, सुबह शाम बैठकर आधा घंटा समय अवश्य देना चाहिए। और परमात्मा परम धाम है तो सदगुरु ही भजन की जागृति पूर्ति पर्यंत पथ। उन्होंने हृदय से लगाम छोड़ दी तो तुम कुछ नहीं, बेलगाम के हो और कहीं कुछ नहीं, फिर अब साधना नहीं आपके पास। तो सो सुख कर्म धर्म जरि जाओ, जहन राम पद पंकज भाओ। वो सुख वो कर्म और धर्माचरण में आग लग जाए, जहाँ राम एक परम प्रभु के चरणों में श्रद्धा न हो। यदि ऐसा नहीं है तो जोग खुजोगो ज्ञान अज्ञानो, जहाँ राम प्रेम पर धानो। तो जोग खुजोग है, ज्ञान अज्ञान है, जहाँ राम उन एक परम प्रभु के चरणों में प्रेम की प्रधानता न हो। जोग कुजोग है, ज्ञान अज्ञान है, धर्म नहीं है वो अधर्म है, और कर्म नहीं कुकर्म है। तो भजन एक परमात्मा का, किंतु भजन जागृति के लिए जितना भी तीर्थ व्रती अनिवार्य है। तो दान दया दम तीर्थ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संतन का हो पाई। तीर्थों का भ्रमण
संपूर्ण साधनों का समुदाय, जोग और वैराग्य, ज्ञान में दक्षता, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, जहाँ तक वेदों ने साधना का वर्णन किया है, ये सब साधन है, झूठ नहीं, सचमुच साधन है। किंतु सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सबका फल है हरि की भक्ति, और वो हरि भक्ति सो बिनु संतन का हो पाई, बगैर संतों के आज तक किसी ने प्राप्त किया ही नहीं। और जब भक्ति जागृत हुई, भक्ति की क्लास अटेंड कर लिया, तो उसके बाद में भजन का एक भेद है, भजन का एक रहस्य है, वो कुछ अलग है। वो जो कुछ कहा सुना जा रहा है इतने से काम नहीं चलेगा, वो अनुभव गम्य है, भजन एक जागृति है। इसी आशय का एक भजन है, अवधु भजन भेद है न्यारा, क्या गाए क्या लिख बतलाए, क्या भर में संसारा, क्या संध्या तर्पण के कीने, जो नहीं प्रेम पसारा, अवधु भजन भेद है न्यारा, मोड़ मुड़ाए जटा रखाए, क्या तन लाए छारा, क्या पूजा पाहन की कीने, क्या फल किए आहारा, अवधु भजन भेद है न्यारा, बीनु परिचय साहिब हुए बैठे, विषय करे हंकारा, ज्ञान ध्यान का मरमन जाने, वाद करे हंकारा, अवधु भजन भेद कछु न्यारा, अगम अथाह महाति गहिरा, बीजन खेत निवारा, महासो ध्यान मगन वे बैठे, काट भरम की छारा, अवधु भजन भेद कछु न्यारा, जिनके सदा आहार अंत में केवल तत्व विचारा, कहत कबीर सुनो भाई को रख, तारू सहित परिवारा, अवधु भजन भेद है न्यारा। हे अवधूत, संतों को उद्देश्य बन के कहते हैं। संत समाज में बड़े वेशभूषा है, कोई लठधारी, कोई मठधारी, कोई दसों इंद्रियां रगड़धारी, खोपड़ी खोपड़ी की गति न्यारी कहीं, और इसलिए बड़े वेशभूषा कभी, और कहीं कहीं तो उन वेशों ने इतनी जड़ पकड़ लिया, विभूति नहीं लगाओगे तो मुक्ति ही नहीं होगी, तिलक नहीं लगाओगे तो मुक्ति ही नहीं होगी, और संस्कृत में यदि भगवान का याद नहीं करोगे तो मुक्ति नहीं होगी। तो हम बोले, भैया संस्कृत तो पंडित लोग भी नहीं जानते, कोई पंडित है कि नहीं, किसी को नहीं आ रही है, बिरले परिवार में कोई है जो बगैर संस्कृत के मुक्ति होना ही नहीं है, तब तो दुनिया गई, दुनिया को मुक्ति नहीं मिलेगी, क्यों, संस्कृत कहीं है ही नहीं, और भारत में 10% पंडितन के मिली और के हो के नहीं, और क्या जब है ही नहीं। किंतु जितने महापुरुष हुए हैं, वो अंगूठा छाप हुए हैं अच्छे से अच्छे, उसमें वो नहीं लगता। इस प्रकार कालांतर में कुछ परंपराएं, कुछ प्रथाएं जड़ पकड़ लेती है, इन जड़ पकड़ी हुई प्रथाओं के उपलक्ष्य में इन कबीर ने कहा, इन प्रथाओं का निर्वाह करने से कभी कल्याण नहीं, वो भजन नहीं है, नहीं वो कोई भजन की विधि है। कहीं कहीं महात्माओं में चलता है, थाड़ा तिलक लगाओगे नहीं तो मुक्ति नहीं होगी, और तिलक की महिमा के उपलक्ष्य में कहते हैं कि एक बार महाअकाल पड़ा 12 वर्ष का, सब जिया जंतु मर गए, आदमी भी आधे मर गए, बाकी भी मरने की सीमा पर खड़े थे, पेड़ों के छिलके उतर के जमींदोज हो गए, पेड़ सूख गए खड़े, स्तुति किया देवताओं ने, विधाता ने, मनुष्यों ने मिलकर भगवान की स्तुति किया, विष्णु भगवान की, बोले आखिर भोग तो कुछ तो लगाना पड़ेगा,
इतने में एक लटम टटम जी रहा था कुत्ता, कहीं दिखाई पड़ गया। बोले लाओ, दाता ने कहा लाओ लाओ इसको लाओ। पकड़ के लाए, काटा, उसके अंडकोश इंद्रिय और नाखून काट के फेंक दिया। विदाता ने कहा इतनी चीजें अशुद्ध है, और बाकी छील छाल के भोजन बनाया, भोग लगाया विष्णु भगवान को, प्रसन्न हो गए भगवान, पानी वर्षा, अकाल दूर हो गया, जनता का दुख निवारण हो गया। इसलिए विष्णु भगवान को भोग नहीं लगता। तो वो नाखून से तो बना लहसुन, फिर इंद्रियों से बनी गाजर, किसी से बना प्याज, इसलिए लहसुन प्याज गाजर भगवान को भोग नहीं लगता। बोले बड़ा अड़ंगा लगाया, वनस्पति जगत में है ही क्या? हर वनस्पति कहीं मूल है, जड़ को नाम मूल है, मुलायम होती है तो उसका नाम कंद है, फिर अंकुर है, पत्र है, पुष्प है, फल है, और है ही क्या वनस्पति जगत में? कुछ वनस्पतियां अति उष्ण होती है, कुछ वनस्पतियां अति शीत होती है। वैदिक वालों को इसका ज्ञान है तो उसका प्रयोग करते हैं, शीत वात वाले को गर्म पकड़ा देते हैं, और गर्मी हो गई तो ठंडा पिला देते हैं, होता है ना? भला इसमें धर्म कौन सा आ गया? वनस्पति जगत जो कुछ है, खाद्य पदार्थ है, इस शाकाहार कहलाता है। लेकिन इसलिए विष्णु भगवान को लहसुन प्याज नहीं लगेगा, भोग नहीं लग सकता, क्योंकि वो तो ब्रह्मा ने फेंक दिया था, पवित्र वस्तु से बना है। इसलिए तो हम बोले माना कि उतना अपवित्र है, पूरा कुत्ता तो पवित्र है, काट के भोग लगाते क्यों नहीं हो? नागालैंड की तरह नागालैंड में कुत्ते उत्ते खा लेते हैं। मिलिट्री गई हुई थी तो मिलिट्री में एक मेजर थे, वो आश्रम में एक कुत्ता कोई भगत दे गया, बड़ा खूंखार था महाराज के, हटा ससुरा के, ये केहू की हत्या करी, हटा। तो इतने वो लड़का आया, वो ले गया कलेक्टर, उसका लड़का था मेजर, वो बहुत सुंदर कुत्ता था, ले गया वहाँ, मिलिट्री वालों का प्यारा हो गया। जब बोले बिगुल बजे अटेंशन, तो सब अटेंशन हो जाए तो वो भी टाइट होके खड़ा हो जाए। पढ़ा लिखा था, थोड़ा इशारा किया तो समझने लगा, पूरी नकल कर दे, चाल से चले, मिलिट्री वालों का चहेता हो गया। एक बार 10-12 सिपाही जा रहे थे, एक बुढ़िया ने झोंपड़ी से निकले के कहा भैया ये कुत्ता हमको दे दो, 2000 रुपया ले लो। तो बोले बात क्या है माई, ये कुत्ते का 2000 दे रही हो? बोले आज हमारा दामाद आने वाला है तो उसको दावत खिलाऊंगी, नागालैंड की बात है। और सिपाही लोग चले आए, हमारा ही कुत्ता दावत खिलाएगी दामाद को? रात में गए उसकी झोंपड़ी फूंक दी है। हम मिलिट्री तो मिलिट्री, हमें लगता नागालैंड वाले असली वैष्णव है। अरे बकरा सकरा काटते हैं, कुछ पंजा कुछ न कुछ तो काट के फेंकता ही है, पूरा कुत्ता तो विष्णु को भोग लगेगा। पौवा आधा किलो नहीं सही, और क्या हो गया? इस प्रकार के अंधविश्वास की कथानक गड़गुड़ के सामने आ गए। केवल धर्मशास्त्र के विस्मृत हो जाने से, और दूसरी बात धर्मशास्त्र गीता है, दूसरे महापुरुषों के सर्वत्र पहुंचने करने होने से अभाव में कालांतर में रूढ़ियां जड़ पकड़ लेती है। रूढ़ियां महापुरुषों के बाद बनती है, कोई महापुरुष कभी रूढ़ी का समर्थन नहीं किया, नहीं बना ही सकते हैं, क्योंकि संतों से कभी मनुष्यों में दरार डाली ही नहीं जा सकती। उनके नाम पर डिग्री है, डिग्रीधारी वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही सदवाई लाइन में कुछ ऐसी छोटी मोटी त्रुटियां देखने को मिली, तब इन महापुरुष ने अपना तरफ से निर्णय दिया कि अवधु भजन भेद है न्यारा, भजन का भेद, भजन का रहस्य कुछ और है, जो कर रहे हो इतना ही नहीं है। और कर क्या रहे हैं? क्या गाए क्या लिख बतलाए, बहुत से तो रात भर गाना ही शुरू कर दिया। कबीर पंथ में होता रहता है ना, गुरुद्वारों में भी कीर्तन चलता रहता है, हर पेटी लेके हर समय वाहे गुरु सब जगह। आप लोग भी गाय नहीं करते हो, ये साधना का आरंभ है। जो कीर्तियंती जहाँ जहाँ कीर्तन करते हैं, मैं वहां रहता हूँ भगवान कहते हैं, लेकिन जो भजन, जो पूर्ण भजन की साधना की, योग साधना की जागृति है, उसका भेद कुछ और, ये आरंभ है। तो क्या गाए क्या लिख बतलाए, क्या कागज काला करने से क्या मिलेगा, क्या भर में संसारा, बद्रीनाथ रामेश्वरम मक्का मदीना और बड़का गुरुद्वारा,
कोई चरच कोई कहीं भ्रमणी तो है, तो क्या भरमे संसारा क्या संध्या तर्पण के कीने। और क्या हो गया जो तीन टाइम संध्या ही बंधन कर लिया, ये भजन वो रहस्य जो गोपनीय भजन की जागृति वो ये नहीं है, वो आगे जो नहीं प्रेम पसारा अवधु भजन भेद है न्यारा। एक परम प्रभु में प्रेम, आपकी वृत्ति में प्रेम का पसार नहीं तो तब तक सब सूखा है रूखा है। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धा विहीन तपा हुआ तप, जपा हुआ जप, किया हुआ कर्म धर्म सब व्यर्थ चला जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम न चिरेणाधि गच्छति। श्रद्धावान और संयमित इंद्रिय पुरुष उस ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परे उस तत्व के परायण समर्पित और संयमी पुरुष ही उस ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धा विहीन दिया दान किया कर्म जपा जप तपा तब सब व्यर्थ चला जाता है। जैसे फसल तो तैयार थी लेकिन पत्थर पड़ गए। प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, प्रेम श्रद्धा विरही पर्यायवाची शब्द है। तो जो नहीं प्रेम पसारा, आपके हृदय में प्रेम का पसारा नहीं है तो ये सब गलत है, अधूरा है संध्या बंधन। घर छोड़ दिया तो मुड़ मुड़ाए जटा रखाए क्या तन लाए छारा। ये संप्रदाय है, सन्यासी मुड़ मुड़वा लिया जटा रखवा लिया। बुद्ध काल में तो जटाओं का इतना महत्व था कि इतनी जटा को बढ़ाओ कि जमीन तक घिसलने लगे, उसकी बाल गिर जाए तो उसमें गूंथ दो, कंबल की तरह इस्तेमाल कर दे, उस दिन तपस्या पूर्ण। इसका नाम था केस कंबल संप्रदाय। उस संप्रदाय में बाल उड़ गए उनका तो ठिकाना ही नहीं था, ये शरीर में झड़ने वाले जामने वाले बालों पर ही सदवाई निश्चित हो गई। इसलिए मुड़ मुड़ाए जटा बढ़ाए क्या तन लाए छारा। और तीसरा वेश होता विभूति, उससे भी क्या होगा, ले मुड़ मुड़ाना जटा उलझ ही जाती है, कंघा पानी न करो तो अपना बन जाती है। विभूति लगा दिया वस्त्र का अभाव है, मच्छर काट रहे हैं तो एक पूर्वजों ने नियम बना दिया विभूति लपेट लो वस्त्र हो। ये त्याग की पहचान अवश्य है, त्याग है लेकिन भजन नहीं है, ये इतने ही का नाम भजन नहीं है। क्या पूजा पाहन की कीने क्या फल किए आहारा, अवधु भजन भेद है न्यारा। पत्थर की पूजा क्या पूजा पाहन की कीने क्या फल किए आहारा। पूजा हृदय में होती है, पत्थर पूजा इस शुरुआत वाली तो श्रद्धा स्थिर करने के लिए तक तो ठीक है, आगे चल के पत्थर पूजा नहीं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय शेर जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है, हृदय के अंदर इतना समीप तब लोग देखते क्यों नहीं, इतना समीप फिर क्यों नहीं देखते। अर्जुन माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भरम बस भटकते ही रहते हैं इसलिए नहीं देखते। ईश्वर हृदय में तुम शरण किसकी जाए, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात परम शांतिम स्थानम प्राप्सि शाश्वतम। उस हृदय स्थित ईश्वर की जाओ, सर्वभावेन संपूर्ण भावों से जाओ, मन कर्म वचन से हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। मान लो सारी मान्यताएं तोड़ी, भूत भवानी भूया रानी लोग बचपन से हमारे पीछे लगा है, हमें विरासत में मिला है, कदाचित वो सारी छोड़ा और हम हृदय स्थित ईश्वर की शरण चले ही गए तो उससे लाभ क्या। तत्पश्चात परम शांतिम उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे, स्थानम प्राप्सि शाश्वतम तुम इस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है अजर अमर है। परमात्मा राम जब गए वन में, अयोध्या में तो कोई महात्मा मिला ही नहीं उनको, विश्वामित्र एक जंगल से आए थे एक बार, फिर जंगल ही में चले गए।
किंतु जब वनवास हो गया तो महात्माओं की लाइन लग गई। भरद्वाज ऋषि प्रयागराज हाथी चिंगार रहे थे, शेर दहाड़ रहे थे। भरद्वाज ऋषि ने कहा, राम इस पगडंडी से चले जाओ, आगे जमुना मिलेगी, वहां तमाम लकड़ियां गिरी पड़ी है, लताओं की रस्सी से बांध कर बेड़ा बना लेना, हिला डुला के देख लेना और फिर उस पे पहले सीता जी को बैठा लेना और पोटली रख लेना, फिर दोनों भाई उसको चलाते हुए उस पार चले जाना। जिस इलाहाबाद में च्योटी की तरह आदमी चल रहा है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐसा बियाबान जंगल जहाँ लकड़ी के लिए तो आपको कुल्हाड़ी की भी जरूरत नहीं, तमाम गिरी पड़ी है, लताएं हैं। भरद्वाज वाल्मीकि अत्रि सर्वभंग सुतीक्षण अगस्त्य माता सबरी और सहस्रों कुटीर मिली, ये तो प्रमुख महापुरुष थे। सुतीक्षण आश्रम पहुंचकर राम जी ने कहा, भगवान मैं यहाँ ऋषियों के दर्शन करना चाहता हूँ। जंगल में भोग थोड़े ही रहे थे, मस्ती काट रहे थे, सब जगह मेहमानी हो रही थी। 10 साल बीत गए, इतना महात्माओं की कुटियों में रहते हुए आए, वहाँ आश्रम में आश्रमों का उत्पाद था, उनका वध करते हुए आगे बढ़ते गए और फिर सुतीक्षण को लेकर अगस्त्य आश्रम पहुंचे। इतनी कुटीरों में गए, सब जगह कोई ध्यानस्थ था, कहीं धुना जल रहा था, कहीं उपदेश हो रहा था, तत्व ज्ञान की चर्चा हो रही थी, मंदिर किसी आश्रम में नहीं मिला। मिला सीरियल में देखते हो, मंदिर दिखाई देता है, पुस्तक में पढ़ के देखो तो महात्माओं का कुछ भेद ही अलग है। जहाँ मंदिर है वहाँ पुजारी गायब, और जहाँ नहीं है वहाँ भीड़ लगी है। हृदय ही मंदिर है, वहाँ निवास, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, उसके कृपा प्रसाद से परम शांति प्राप्त कर लोगे, सदा रहने वाला जीवन और सदा रहने वाला धाम प्राप्त कर लोगे। इसलिए आरंभ में पूर्वजों की स्मृति संजोई है हमने मंदिर में, वहाँ प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, ये सच है। ये प्रार्थना घर है, नाम घर है सामूहिक, और लेकिन जब भजन जागृत हो जाएगा तो भजन कुछ और। इस और यहीं तक करके सोच लो कि हमने पूर्ति कर लिया, तब एक है भूल। तो क्या पूजा पान की कीने, क्या फल किए आहारा, अब तू भजन भेद है न्यारा। फल आहार करने से क्या होगा, फल की इच्छा का दमन करो, निष्काम भाव से चिंतन करो, तो होगा कैसे? उसके लिए आपको पहचान चाहिए, परिचय चाहिए। भगवान अपना परिचय दें कि हम हैं, तुम मेरा भजन कर, तब उसी के साथ ही भजन की जागृति होती है। तो विनु परिचय साहिब वे बैठे, विषय करे अहंकार। परिचय मिला ही नहीं। गुरु महाराज कहते थे कि भगवान जब कृपा करते हैं, पेड़ से बोल सकते हैं, शून्य से बोल सकते हैं, उड़ते हुए भंवरों से बोल सकते हैं, जमीन से, चलते हुए व्यक्तियों से, सर्वत्र से बोल सकते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र हैं। ऐसे बहुत महापुरुषों के ग्रह छोड़ के निरंतर भजन में लगने का कारण बना। सूरदास बिलवा मंगल नाम था, अकेले अपने बाप के बेटे थे, करोड़पति पापा, करोड़पतियों के लड़कों को तो वैसे ही 10-20 हजार पाकेट में पड़ा रहता है, और जिन लड़कों के पास पैसा होता है दोस्त तमाम हो जाते हैं। दोस्तों ने सिखाया पहले शराब पीना, फिर डांस देखना, और 16-20 साल का होते होते तो पत्रियन के कोठों पे डांस देखने लायक हो गया। आस्ते आस्ते माता पिता ने बहुत समझाया, कोई लाभ नहीं, करोड़ों की संपत्ति वहां फेंक दिया। बड़ी नामजद अप्सरा थी, कोई दूसरा रईस वहां टिकी नहीं पाया बिलवा मंगल के सामने। एक दिन माता पिता ने कहा अपनी बहू से, बोले बेटा भले घर में जन्मी हो, भले घर में आई हो, लड़का नालायक निकल गया जिस पर हमारा कोई वश नहीं है, ले ये 15-20 हजार बचा है रख लो, इससे तुम अपना परवरिश करना, उस नालायक को मत बताना। ओ बुढ़ा बुढ़ी मर गए। जहाँ कोठा पर सूचना मिली कि माताजी पिताजी मर गए, बोले ओ यही मौका था मरने का, अभी तो कायदे से ठुमका चल रहा है, जैसा शराबी बेचारे बोलते हैं वैसे ही बोला। आया बोले अरे
सूखे मर गए कुछ दे गए, तो बोले 15 जो भी हो 15-20 ये दिया है, उन्होंने हमको कहा था कि मैं आपसे न बताऊं। उठा के लेके भागा, वो भी पत्रिया को दे आया और बोला देखो जान, ये 13 दिन मेरे जीवन के नरक के दिन है, ये बुढ़वा बुढ़वा ऐसा मर गए, मैं तेरे ही बिता के आऊंगा, ले ये अंतिम किस्त है, अब हमारा सर्वस्व तुम ही हो। उस अप्सरा समझ गई कि अब इसके पास कुछ नहीं है, तो मस्त हो गई, दूसरों को बुला लिया, इस गाह को छोड़ दिया। 13 दिन बाद बहुत बड़े आदमी थे, तमाम रिश्तेदार एकत्रित हुए, लड़के की दशा किसी से छिपी नहीं थी, सब ने मिलकर धूमधाम से उनका अंत्येष्टि किया, तेरे ही किया, दान पुण्य किया, और जहाँ छुट्टी पाया तो गया सीधा कोठे पर, कड़ाके की ठंड में बाहर खड़ा होके बोला भाई दरवाजा खोलो। बोले कौन? बोले मैं बिलवा मंगल, कुछ लाए हो? बोले हमारे सर्वस्व तुम ही हो, या देवी सर्वभूते सुछाया रूपेन काया रूपेन माया रूपेन संस्कृता। तो बोले बेवकूफ कहीं का, हमने तुमसे प्रेमी कब किया था, ये हमारा धंधा है, मधुर बोलना मुस्कुराना, तुम्हारे पॉकेट में पैसा था तब था, अब देखो ना ये रईस आ गए कछुआ। वो भी मुस्कुरा रहे थे, सोचा इतना अपार धन हमने इसको दे दिया, ये कृतघ्न विमुख हो ही नहीं सकती, अब खोलेगी विनोद करती होगी। रात भर खड़ा रह गया, कपड़ा लत्ता तो उसी घर में था, एक शर्ट पहने डुग डुग कांपता रहा रात भर। सुबह जब दरवाजा खुला, वो दूसरे लोफर कंपनी जब जाने लगी, तो क्रोध में जाके छुरा मार दिया, पत्रिया के जीव कितना मर गई तुरंत, बहुत बड़ी अप्सरा थी, तुरंत हंगामा मच गया, हथकड़ियां पड़ गई, फांसी। और फांसी में जब 2 मिनट बाकी था, तो और तो बड़ी उनकी पतिव्रता थी, सती साध्वी थी, हालांकि माता पिता ने कहा मत बताना उस दुष्ट से, लेकिन पति से कैसे दुराव करे, बता दिया। वो भागती हुई आई, घोर अन्याय हो रहा है, ये क्यों मारेंगे, ये तो उससे स्नेह करते थे, मैंने उस दुष्टा को मारा है। बोले क्यों मारा? बोले 1 दिन 2 दिन वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष मैं सहन करती, आप पूरी जिंदगी बरगला रखा मेरे पति को, मुझसे सहन नहीं हुआ, मैं मार डाला। आखिर धैर्य की भी तो कोई सीमा होती है, बड़ी समझदार थी। सूरदास छूट गए, वो पकड़ गई, फिर बाद में वकीलों ने राय करके बहस करके उसको भी छुड़ा लिया, सब असलियत तो सब जानते थे, तो रंगे हाथों पकड़ा हुआ था, ये तो पति भक्ति में छोड़ कह रही है। सोचा इतना धन था तब तो इस स्त्री को हमने जूतियों में रखा, अब कुछ भी नहीं है, कौन मुंह दिखाऊं इस सती साध्वी देवी को। मनी मन प्रणाम किया, भागा वृंदावन की ओर, कहीं से खड़िया माटी लेके तिलक सही कर लिया, कहीं राम नामी मांग लिया, और हरे कृष्ण राधे राधे जपता हुआ चला। उधर रास्ते में एक सेठ ऐसे थे, उस क्षेत्र में कहीं कोई महात्मा निकले 10-5 किलोमीटर की दूरी से, सबको घेर के लाओ, भोजन कराओ, कंबल दो, कमंडल दो, कुटीर बनवा दो, तीर्थ जाए तो व्यवस्था कर दो। बड़े धर्मात्मा सेठ थे, वो भी नलखपति ही थे, उन लोगों ने व्रत ले रखा था, ये आदमी छोड़ रखे थे कि कहीं महात्मा निकलने जाए रास्ते से। ये बिलवा मंगल पकड़ गए, सुबह फांसी के तख्ते में रहे, शाम को पकड़ गए, और डेकोरेट पक्के संत, और जहाँ सेठ सेठानी सामने आए, बोले भगवान भिक्षा करें, भोजन लाए, तो फिर बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सेठा इनको देख के सोचने लगा, हमने तो छुरा मार दिया था, ये जी गई वही है कि उसकी बहन है। बोले हम भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों महाराज? कहिए बद्रीनाथ रामेश्वरम परिक्रमा की व्यवस्था कर दें, आपको कुटीर बना दें, इस दरवाजे से आज तक कोई भिक्षा किए बिना गया ही नहीं, जो इच्छा हो व्यक्त करें, आपकी पूर्ति की जाएगी। अब संतों की इच्छाएं तो संतों ही जैसी होती है, लेकिन वो तो संत 8-10 घंटे का था। बोले हम सेठानी जी के साथ रहेंगे कमरे में, तब फिर हम भोजन करेंगे। सेठ सेठानी ने कहा प्रभु परीक्षा लेने तो नहीं चले आए? सेठ ने कहा तुम भोजन कराओ इनको। वो चांदी के थाल में जब भोजन लेके चली, तो सूरदास को वो सुबह वाला फंदा दिखाई दे गया,
मोटे मोटे जल्लाद खड़े थे, सांवले सांवले चार छह, वो उठा के ऊपर नीचे कर ही रहे थे, इतने में औरत आके छुड़ा लिया। जो फंदा जहां दृश्य नाचना सामने, तो बोले अरे कांप गया भीतर ही भीतर, बोले ओ एक औरत की वजह से मैं फांसी पे चढ़ा, एक औरत ने मुझे फांसी से छुड़ाया, और फिर भी मैं उसी दिशा में सोच रहा हूँ। ये सब दोष इन आंखों का, नहीं आंखें होती और न मुझे इको मार्ग का रास्ता दिखाई देता। बोले माता जी सुई डोरा लाओ। बोले क्या होगा महाराज? बोले प्रेम थोड़ा टूट गया, सिलना पड़ेगा। जहाँ सुई डोरा भेंट किया तो दोनों आंखें फोड़ लिया। बोले अरे संत जी ने आंखें फोड़ ली, संत जी ने आंखें फोड़ ली। तो सब भाग गए, बड़ा महाराज आपने ये क्या किया? बोले आप लोग चिंता न करो, आपको कोई पाप नहीं है। एक की वजह से हम फांसी पे चढ़े, एक की वजह से उतरे, फिर भी आंखों का दोष है, मुझे उसी दिशा में भटका रही है जबकि चला था भगवान की ओर। वो इंद्री हमको नहीं चाहिए जो मुझे भगवान की राह से वंचित करे। आप चिंता न करें, मैं कोई बहुत बड़ा साधु नहीं हूँ। सुबह 10 बजे तो फांसी पे लटक रहा था, शाम को 6 बजे आपके सामने हूँ। इन्हीं 5-7 घंटे में जितनी भक्ति हो गई हो उतना ही बड़ा भगत हूँ। आप बिल्कुल चिंता न करें, हमें वृंदावन का रास्ता कृपया दिखा दें, हमारा बहुत बड़ा उपकार हो गया है। जन्म का अंधा होता तो निकल गया होता, ले अभी अभी तो आंखें फूटी है। घोर जंगल में कुएं में गिर गया, इतने पानी में 7 दिन पड़ा रह गया। वो तो पड़ा क्या, मरना ही था। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मोहन, हे मुरारी, जब ये सांस जब तक कुएं में है तब तक तो नाम जप लो, प्रभु का सुमरण कर लूं भजन, क्योंकि अब मरना ही बाकी है, जीवन तो है नहीं। जंगल में आदमी कहाँ होता है। 7वें दिन एक हाथ आया, सूरदास का हाथ पकड़ा, बाबा कुएं में क्या कर रहे हैं? तो आइए बाहर आइए, कुएं में क्या कर रहे हैं? बस पकड़ के खींच दिया बाहर। बाहर खींचा तो सूरदास ने भी जम के पकड़ा हाथ, बोले भैया कौन हो, भैया कौन हो, बात तो सुनो, झटक के चल दिया। तब सूरदास समझ गए 50 हाथ गहरा कुआ, इतना बड़ा हाथ मनुष्य का तो हो नहीं सकता। सिद्ध है कि भगवान ने हाथ बढ़ा के हमें निकाला। फिर ये इतना कोमल हाथ जैसे 10 साल के बच्चे का हो, और उतना बड़ा हाथ, इतने हल्के बच्चे ने हमको खींच लिया बाहर। भगवान आए और हमको उद्धार किया कुप से। तब सूरदास बोला कि कर छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे सबल बधूंगा तो ही। एक हाथ छुड़ा के जात तो हमें निर्बल समझ के, हृदय से जब जाओगे तो आपको बलवान समझूंगा। लग गया धुन में और पहुंच गया वृंदावन। वहां के पुजारियों ने विचार किया आपस में, करी सूरा के गले में बड़ा लोच है, अब जन्म भर पत्रियों का गाना सुनेरा तो श्रोता लोगों के गले में कुछ दम आ जाता है। यार बड़ा लोच है इसके गले में, ऐसा करो रास बिहारी के मंदिर में बैठा दो, कुछ टुन टुन करता रहेगा, आगंतुक यात्रियों के कान में भगवान की वाणी पड़ेगी, कथा पड़ेगी। बैठा दिया, लेकिन सूरदास वह भजन गाया करें जो भगवान का श्रृंगार हो, भगवान का जो भोग लगे बस वही बोले, उसके बाहर कुछ नहीं। माला गुलाब की है तो गाने में गा दे, गुलाब की माला छवि जैसी, पीला वस्त्र तो पीला, नीला तो नीला, आसमानी तो आसमानी, धानी तो धानी, एक मोर पंख 3 मोर पंख, जैसा कुछ श्रृंगार पुजारी कर दे मूर्ति का वही गाया करे। तब पुजारियों ने सोचा ये अंधरा देखता है क्या, ठीक वही गाता है जो इस श्रृंगार हम लोग करते हैं। ऐसा करो कि आज श्रृंगारी मत करो। कुछ नहीं किया, ये काली टिकुली लगा दिया, मुंह में माखन पोत के वैसे ही छोड़ दिया भगवान को। सूरदास बहुत खुश हुए, लगे मुस्कुराने, आज हरि भय नंगम नंगा, माखन चाटत करते उच्छंगा। जो कुछ था टिकुली वगैरह सब गा के सुना दिया। सब चरणों में गिर गए, बोले भगवान हम तो सोचे कोई भीख मंगा अंधा है, आप महापुरुष हैं, हम लोगों से महान भूल हुई, ये कुटिया सब आपकी है, एक बहुत बड़े भाग में बैठा दिया। सूर सूर हो गए, चमड़ी की आंखें तो फूट गई, हृदय की आंखें खुल गई। यह है परिचय। भगवान जब तक अपना कुछ परिचय नहीं दे तब तक पूर्ण विश्वास होता ही नहीं। गुरु महाराज को 3 बार आकाशवाणी हुई थी, इस महात्मा को भोजन कराओ, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। एक गलत कदम की और निमंत्रण था तो बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई, महान पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओगे।
तो भगवान जब बुलाना चाहते हैं तो इस सृष्टि में से किसी को भी एक पल में बुला लेते हैं, तीर की तरह उनकी गोद में गिरोगे। पूज्य महाराज जी कहा करें कि भगवान आदेश न दें तो घर छोड़ना पाप है, आदेश दे दें तो घर में रहना पाप है, आज्ञा पालन करना ही चाहिए, आज्ञा पालन ही भजन है। तो भगवान बोलते हैं इतना चिंतन करो एक प्रभु में श्रद्धा पूर्ण समर्पण के साथ, ओम अथवा राम का जाप इतना करो कि हृदय का जहां मलाल थोड़ा धुरा, आत्मा और आपके बीच में जो पर्दा पड़ा माया का थोड़ा हल्का हुआ, तो भगवान बोलने लगते हैं, मार्गदर्शन करने लगते हैं, आकाशवाणी देने लगते हैं, स्वरूप भी धारण कर लेते हैं। हर हालत में जैसे बोध लगेगा वो परिचय आपको देंगे, और यदि वो परिचय नहीं मिला, भगवान चलाते फिराते उठाते बैठाते नहीं, तो कैसे समझोगे कि कब हम सही चल रहे हैं कब गलत, तो तारतन से क्या होगा। तो विनु परिचय साहिब वे बैठे, संत शिरोमणि होके बैठ गए, विषय करे अहंकार, जानते नहीं हमरे इतना 1000 एकड़ का खेत है, विषय करे अहंकार, मकान ऐसा है, विषय करे अहंकार, ज्ञान ध्यान का मरमन जाने, वाद करे अहंकार, अवधु भजन भेद है न्यारा। ज्ञान ज्ञान जो याद कर लिया ज्ञान नहीं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज ज्ञानम प्रोक्तमिति अज्ञानम यद तोन्यथा। अर्जुन आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, उनके संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है, और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। हमारी पुकार ऐसी हो आत्मा जागृत हो जाए, मार्गदर्शन करने लगे, हमारा पढ़ाने लगे, ये निम्नतम सीमा है ज्ञान की, ये है भजन की जागृति, यहीं से परिचय शुरू होता है, और उन्हीं के संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है, और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। तो ज्ञान एक जागृति, तो ज्ञान ध्यान का मर्मन जाने, ज्ञान और फिर ध्यान कैसे करें किसका करें, भगवान को हमने देखा ही नहीं तो ध्यान चरणों का ध्यान कैसे करोगे, ये एक अलग प्रश्न है। ज्ञान ध्यान का मर्मन जाने, वाद करे अहंकारा, वाद विवाद में अहंकार करते रहते हैं, हमने शास्त्रार्थ में उसको रगड़ दिया, ये कोई भगवान अचिंत्य है अगोचर है, राम अतर्क कर्म मन बानी मत हमार अस सुनो भवानी, तर्क बौद्धिक तर्क उतर्क से अतीत है, और ये वाद करे अहंकारा, वाद विवाद में किस्सा कहते कहते अहंकार हो गया कि इतने ज्ञानी। भगवान अचिंत्य है अगोचर है, आंखों से नहीं देख सकोगे, इंद्रियों से नहीं देख सको, न बुद्धि से माप सकोगे, इसलिए अगम अगम्य है, मनुष्य की पहुंच के बाहर है, अथाह महाति गहिरा, वो सबसे गंभीर है, गहरा है अथाह है, वो किसी बीज से नहीं जामता, स्वयं सिद्ध है, बीजन खेत निवारा, न बीज है और नहीं कहीं खेती में होता है भगवान। महासो ध्यान उस परमात्मा का ध्यान धरो, वो सर्वोपरि है, वो महान है, महासो ध्यान मगन वे बैठे, उस ध्यान में मगन होके बैठ जाओ, काट भ्रम की छारा, अवधु भजन भेद है न्यारा, वो भ्रम की छारा कट जाएगी। जिनके सदा आहार अंत में केवल तत्व विचार, आहार आंखें करती है, 5 कुतिया राम की करे भजन में भंग, और ताका टुकड़ा देके तब करी हो सत्संग, 5 कुतिया है राम जी की, आंखें रूप देखती है, कान शब्द सुनता है, जिभ्या रस आस्वादन करती है, त्वचा स्पर्श करती है, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, 5 ज्ञानेन्द्रियों की ये 5 कार्य जिसका नाम तन्मात्रा, ये कुतिया है, कुतिया को कितना भी खिलाओ तभी वो मेले में मुंह जरूर ढालेगी, इसलिए कुतिया की संज्ञा दी, 5 कुतिया राम की,
करे भजन में भंग और ता का टुकड़ा देखे तब करियो सत्संग। इसको वो टुकड़ा दो कि उलझ के उसी में संयत हो जाए, तब करो सत्य की संगत। ये आहार करती है, न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचों अधिक सवादी, को काहू का हटान माने आप ही आप मुरादी, संतों घर में झगड़ा भारी। कबीर कहते हैं घर में बहुत झगड़ा है, हृदय में बहुत बड़ा कोहराम मचा, रात दिन झंझट चल रही है, बहुत बड़ा झगड़ा है। संतों घर में झगड़ा भारी, झगड़ने वाले कौन, रात ही दिवस मिली उठी उठी लागे, पांच ढोटा एक नारी। पांच ये कर्म इंद्रिय, ये लड़के और माया रूपी नारी, ये एक रात दिन कभी चैन नहीं पड़ता, निद्रा में भी इनका झगड़ा चलता रहता है, सपन में दृश्य उभरते रहते हैं, दिन में जो मन में होता है वो रात में आता है, कभी संस्कारों में छिपी रील वो रात में आता है। चित्त शुद्ध हो जाने पर केवल भविष्य आता है, सपन वो भक्त कभी नहीं देखता। तो ये रात दिवस मिली उठी उठी लागे, पांच ढोटा एक नारी, और इन सब की रसोई घर अलग अलग। न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचो अधिक स्वादी, अलग अलग भोजन चाहती है ये, आंखें दृश्य देख के तृप्त होती है, कान शब्द सुन के, बचपन में लड़के माई की लोरी सुन लिया तो मुस्कुराने लगे और सो गए, मम्मी को देख लिया खुश सो गए, थोड़ी देर में जो बड़े हुए तो खिलौनों में उलझ गए, खिलौना छीन लिया तो उधर पांव पीटने लगे, और बड़े हो गए तो उनके आंखों की देखने की दृष्टि बदल गई, फिर इना मीना डिका दे दमा डिका गाने लगे वंड का बंड। और जब बुढ़ोती आ गई तब बोले पनत का मुंह देख लेते, फिर बलूक भगवान उठा लेते आंखों की देखने की दृष्टिकोण बदलता ही जाता है अवस्था के अनुसार, और सबका भोजन अलग। जबान अनुकूल टेस्ट का भोजन चाहिए, कानों को अनुकूल शब्द सुनने को चाहिए, जो बचपन में लोरी सुनते थे बुढ़ोती में लड़के का प्रमोशन हो गया उछल पड़े बुढ़ऊ, अब ये सुन के खुश हो रहे हैं। ये अवस्था के अनुसार इनके इनके पकड़ भी बदलती जाती है, अलग अलग भोजन। त्वचा को स्पर्श, कान को शब्द, आंख को रूप, रसना को अनुकूल भोजन। तो न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचों अधिक स्वादी, और पूरे टेस्ट का भोजन चाहिए इनको, कमी रहती तो पछतावा बना रहता है। क्यों कहू का हटान माने आप ही आप मुरादी, संतों घर में झगड़ा भारी। अपनी मुराद पूरी होनी चाहिए, कोई किसी का अनुशासन नहीं मानती तो दुर्मति केर दोहागिन मेटे डोटे चाप चपेरे, कह कबीर सो जुग जुग जीवे जो घर की रारी निबेरे। तो ये इसी आशय को प्रकट करते हैं जिनके, तो ये आहार था वो आहार बंद कर दिया, केवल एक आहार बढ़ गया, भजन जागृत हुआ, पहचान मिली, परिचय मिला, महान जो तम सत्ता उसके ध्यान में जब सूरत स्थिर हुई तो फिर एक आहार बचता है, क्या प्रभु। जिनके सदा आहार अंत में, इस साधना के परिणाम में ये अवस्था आती है, अंत में आती है, केवल तत्व विचारा, केवल परम तत्व परमात्मा पर विचार। अब प्रभु का क्या दृश्य आया, प्रभु क्या कहते हैं, स्वरूप कैसा, व्यापकता कैसी। कहत कबीर सुनो भाई गोरख, तारों सहित परिवारा, अवधु भजन भेद कछुन्यारा। कबीर कहता सुनो गोरख, कबीर 600 वर्ष हुआ, गोरख को 1200 वर्ष हुआ, कबीर काल में गोरख थे ही नहीं। ये वो गोरख नाथ से मतलब नहीं है, गो माने मन से इंद्रिय, रख माने होता रख रखाव, जो इंद्रियों का संयम साध ले गया हो वो गोरख से, गो संयम विवेक वैराग्य साधना सुमरण से इसका संयम होता है। तो जिन्होंने गो संयम साध लिया हो उन्हें संबोधित करके कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई गोरख, तारों सहित परिवारा, अवधु भजन भेद है न्यारा। परिवार सहित तार दूंगा, केवल जिसके हृदय में विचार चिंतन में एक तत्व पर जिसकी दृष्टि टिक गई, यदि ऐसा कोई इंद्रिय संयम वाला मिल जाए तो मैं परिवार सहित पार कर दूंगा। भजन एक जागृति है,
परिचय है, और जब तक वो परिचय नहीं मिले, चाहे साधु बनो, चाहे जटा रखाओ, चाहे मूढ़ मुंडाओ, ये ऊपर ऊपर है, भीतर कुछ भी नहीं है। वो जागृति किसी तत्वदर्शी सदगुरु के द्वारा ही होती है, शून्य में नहीं फलती। इसलिए कहत कबीर सुनो भाई गोरख, तारू सहित परिवार, कोई इंद्रिय संयम का व्रत लेकर आए तो तुम नहीं पूरा परिवार आ जाओगे तो सबके लिए उद्धार का मार्ग खुला है। एक बाबा जी रहे तो उनका चेला भिक्षा करने जाए तो कहे गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। भिक्षा करने जाए तो बोले गुरु बंदी छोड़, तो लोग कुछ खप्पर में डाल दे। एक सेठ के पिंजरे में सुग्गा टंगा था, बड़ा पढ़ा लिखा था। बोले अरे भाई, तो आपके गुरु महाराज बंदी छोड़ है, हम ये बंदनी में मर जाएंगे, पिंजरे में सड़के के हमारे, हमें भी मुक्त होने का कोई उपाय है, पूछ के आना। बोले अवश्य आएंगे। जब गया कुटीर में, महाराज ने आधा भोजन कर लिया तो याद आया सुग्गे ने कहा था, तुरंत सुनाया। बोले महाराज, सेठ के एक स्वर्ण के इतने बड़े पिंजड़े में सुग्गा बंद है। उसने कहा आपके गुरु महाराज जब बंदी छोड़े हैं तो हम इस पिंजड़े ही में सड़के मर जाएंगे कि हम भी कभी बंधन से मुक्त होंगे, खुले आसमान में अपने स्वच्छंद विचरण करेंगे, उपाय पूछ के आना। तो खाना खाते खाते खाना बंद कर दिया, लगे छटपटाने, पांव हाथ पांव झटकने लगे, फटफटाने लगे पक्षी की तरह, और धड़ाम गिर गए, जीभ बाहर निकल गई, मुंह फैल गया, आंखें उलट गई। चेला सोचे अरे इतना खराब संदेशा हम ले आए, गुरु महाराज तो मर गए। थोड़ी देर में उठ के बैठे, भोजन करने लगे, कुछ बोले नहीं, कुछ कहा ही नहीं। दूसरे दिन जब वो भिक्षा करने गया तो बोले अरे गुरुजी से पूछा? बोले भाई पूछा, बहुत खराब संदेश था। अरे गुरुजी तो हमारे मरत मरत बचे किसी तरीके से, मर ही गए थे। तो बोले हुआ क्या? जहाँ हमने पूछा उसने कहा कि कोई हमारे छूटने का उपाय है। तो बोले जहाँ हमने कहा कभी मुक्त तो होंगे, कोई उपाय बताओ। तो लगे छटपटाने जैसे कोई पक्षी पाँव पर फड़फड़ावे, लगे फड़फड़ाने, पांव पीटने लगे, फड़फड़ाने लगे, धड़ाम गिर गए, मुंह खुल गया, जीभ निकल गई, मर गए। हम तो सोचे गए गुरु महाराज, लेकिन थोड़ी देर में बैठ के खाने लगे, कहा तो कुछ नहीं। तो सुग्गा बोला समझदार के लिए इशारा काफी है। बस जहाँ सेठ सेठानी और सोने की कटोरी में दूध भात लेके चले तो लगा पखना पीटने सुग्गा, फड़फड़ाने लगा, बुरी तरह पूरा पिंजरे में उलट के धड़ाम गिर पड़ा, जी बाहर निकल गई, चौंच फैल गई। तो सेठाइन बोली सेठ जी जल्दी, सुगा तो मर गया, जल्दी बाहर निकालिए, यदि अंदर ही प्राण छूट गए तो ये जो लाख रुपए का पिंजड़ा ये माँ पात्र को देना पड़ेगा, जल्दी निकालिए। तो निकाल के बाहर रख दिया, दूर बैठ के पश्चाताप कर रहे थे। बोले क्या पता मैं, कितना बढ़िया पड़ता था, कितना सुंदर सुग्गा था, इतने में फुर उड़ गया। यह हाल है सद भाई का, गृहस्थी बढ़िया कटनी कटो तो कबो छुट्टी नहीं, और जब थोड़ा पर फैला तो बोले ने मरा ने माचा छोड़े, इससे अच्छा चले जाते महाराजे के वहाँ जीव छुट्टे।